विदर्भ की काशी के नाम से विख्यात मारकंडा देव तालुका में वैनगंगा नदी के तट पर उत्तर वाहिनी स्थान पर स्थित मारकंडेश्वर मंदिर में 18 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक चलने वाले श्रावण मास के पहले सोमवार को महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। सजनार आदि पर शिवलिंग बेल फूल के साथ मारकंडेश्वर मंदिर भक्त भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मारकंडेश्वर मंदिर इस वर्ष खिल जाएगा, क्योंकि यह श्रावण महीना है जो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि मारकंडेश्वर इस स्थान की उत्तरी बहन है, इसलिए हर साल महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र के साथ इस स्थान पर एक बड़ी यात्रा आयोजित की जाती है। राज्य के बाहर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यह स्थान बहुत प्राचीन है और महाराष्ट्र सरकार की श्रेणी में एक पर्यटक स्थल है, चूंकि अभी तक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है, इसलिए यह स्थान उपेक्षित है। इस स्थान को विकसित करने के लिए इसे शिरडी और शेगांव की तर्ज पर विकसित करना आवश्यक है। चामोर्शी तालुक्याच्या सीमेवरून बारमाही वाहणाऱ्या वैनगंगा नदी तीरावर मारखंडा येथे मारखंडेश्वर बसलेले असून यात्रा ठिकाणी वैनगंगा नदी या ठिकाणी वैनगंगा नदी उत्तर वाहिनी झाली असल्याने धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे। यात्रा मोठी यात्रा या ठिकाणी भरते। हे स्थळ महाराष्ट्र राज्याच्या व बस प्रश्रेणीपर्यंत पर्यटनस्थळ म्हणून आहे।
मात्र सोयी सुविधा मिळत नसल्याने हे स्थळ दुर्लक्षित आहे, तरी या स्थळाचा विकास करावा अशी आशा आहे। जय भोलेनाथ। म्हणजे मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट चामोर्शी तालुका केंद्र है, श्री वैनगंगा नदी के तट पर स्थित महामृत्युंजय मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय ने अल्प आयुषी होते हुए इस जगह में महादेव की स्थापना करके इसी जगह में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, जिस मंत्र जाप के प्रभाव से उनको मृत्यु में विजय प्राप्ति हुई थी। जिस समय उनका मृत्यु का समय आया था, स्वतः यमराज इस जगह में प्रकट हुए थे और ठीक उसी समय भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पे प्रकट होकर मार्कंडेय को दर्शन दिए थे और अमर तत्व का वरदान दिए थे। ये जगह प्राचीनतम बोले तो आर्कियोलॉजी का जो सर्वे है 1200-1300 साल पुराना बताया जा रहा है। इस जगह में महाशिवरात्रि में यात्रा 10 दिन की रहती है, प्रत्येक दिन के दर्शनार्थी कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख तक रहते हैं, बड़ी बाजार लगती है। श्रावण महीने में अखंड रुद्राभिषेक बिल्वार्चना होता है। अभी इस साल तो अधिक मास और श्रावण मास दोनों एक साथ हैं और रोज के भाविक कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में रोज ही रहते हैं। और इस जगह में पूजा पाठ अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस जगह को विदर्भ की काशी बोली जाती है। जो चारों धाम की यात्रा में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ गणपति, हनुमान जी, आदिशक्ति, यम धर्म मंदिर, मार्कंडेय ऋषि मंदिर, विठ्ठल रुक्माई मंदिर सभी यहाँ पे स्थापित हैं। जय भोलेनाथ। विनंती करतो की आज 2015 पासून हे मंदिर खुले उखडण्यात आलेलं होतं, तेव्हापासून आज 8 वर्ष कंप्लीट झालेली आहे, 4 महिने बाकी आहे, तरी परंतु या मंदिराचा उदरनिर्वाह झालेला नाही आहे। तरी मी सर्व जनतेला मी विनंती करतो की सर्व विदर्भ काशीवाल्यांना आणि माझे आमदार खासदारांना मंत्र्यांना आमच्या प्रधानमंत्री साहेबांना सुद्धा मी विनंती करतो की या मंदिराकडे थोडासा जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन या मंदिराचा उदरनिर्वाह करावा। मी मार्कंडादेव ग्रामपंचायत उपसरपंच उमाकांत नानाजी जुनगरे याच्यासाठी मी प्रत्येकांना मी व्हिडिओ पाठवत आहो, कारण की आज 8 वर्षापासून इथं सर्व विदर्भाची काशी म्हणून मार्कंडा देवस्थानामध्ये खूप लोक परिस्थितीत आहेत आणि प्रत्येक लोक जनतेने इथं भाविकांनी येतात, परंतु उत्तरवाणी वैनगंगा माता मार्कंडेश्वर भगवानाची या मंदिराचा खुला करण्यात आला तेव्हापासून काहीच कामं झालेले नाही। तर मी या माझ्या गडचिरोली जिल्हावासीय आमदार खासदार आणि माझ्या मंत्र्यांनासुद्धा मी विनंती करतो की याच्याकडे थोडंसं लक्ष देऊन सुरळीत काम करावं अशी तुम्हाला सर्वांना मी विनंती करतो। आणि हा व्हिडिओ प्रत्येक ठिकाणी मी जाहीर करत आहो, मी उपसरपंच म्हणून बोलत आहो। धन्यवाद। NBC न्यूज के चामोर्शी से बबन वडेटीवार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।